हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय हिंद। मेरा नाम है राजीव द्विवेदी। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव द्विवेदी पर। चूँकि हम हमेशा नए ब्लॉग बनाते हैं, नए तरीके से आपको दिखाना चाहते हैं, तो ये होने वाला है इंदौर मार्केट से रिलेटेड ब्लॉग। मार्केट से रिलेटेड ब्लॉग इन द सेंस कि अभी बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे, खैर थंबनेल देख के भी समझ में आ गया होगा कि आज हम वर्ड्स मार्केट ही बोलते हैं, वर्ड्स मार्केट में आए हैं और यहाँ पर दिखाएंगे मछलियाँ, बर्ड्स, कबूतर, चिड़िया, मतलब जो भी होती है, और फिश वगैरह, डॉगी, मतलब सारे पेट जो होते हैं, मतलब आप घरों में जो है इनको रखते हैं, मतलब जानवरों को पालते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे, रेट्स बताएंगे और सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि पेट्स मार्केट दिखाओ, तो आज फाइनली उनकी सुनी जा रही है। खैर इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रहेगा, लेकिन अगर मुझसे कोई जानकारी जाननी है, मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, बातें करना है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम की आईडी है, तो डेफिनेटली आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि कमेंट में होता ही है कि कमेंट पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, बहुत सारे रहते हैं। तो ये है लिंक, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर साजिद खान जी, और इनका ये शॉप है, तो चलो इनसे जानकारी जानेंगे हम एक एक वर्ड्स की, तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं हम फिश से, तो फिश काफ़ी अलग अलग वैरायटीज की होती हैं यहाँ, छोटी हैं, और भाई साहब मतलब जो आंखों से दिख रहा है वो शायद इस कैमरे के थ्रू तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो आपको अलग ही अंदाज़ा लगने वाला है, बट खैर हम बात कर लेते हैं। तो ये फिश कितने की, कैसे क्या रहता है रेट? ये वाली फिश है जो 80 रुपीज़ पैर आती है, ये मोली फिश है। मोली फिश है ये, मतलब 80 रुपीज़ की टू आएंगे, 40 रुपीज़ पैर आती है, ठीक है, 40 रुपीज़ ईच आएगी। ओके, और इसके अलावा यहाँ की बात करें तो ये 50 रुपीज़ पैर आएगा। 50 रुपीज़ पैर, ये इसी की वेराइटी में है, इसमें कलर्स काफ़ी सारे आते हैं, ब्लैक्स आते हैं, ऑरेंज आते हैं, ये जो कलर हैं ये सारे कलर्स आते हैं। ओके, तो ये अलग है, ये टिम्पल बार फिशेज है, इसमें टाइगर फिशेज भी है, टिम्पल बार फिश है, हाँ टिम्पल बार। ओके, और फिर इधर आए तो ये इनके ये सेम रेट की है, सब सेम रेट की है, वही 80 रुपए का पेयर है, ये 80 का पेयर है। अच्छा, ये वाला ये भी 80 का पेयर है, साइज के हिसाब से रहता है, साइज के हिसाब से रहता है, ठीक है, और बड़े साइज। तो ये हो गया ये इस टाइप का, और इसके अलावा यहाँ बात करेंगे 100 रुपीज पैर है, ये रेड केप गोल्ड आती है, रेड केप गोल्ड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो ये भी गोल्ड फिश में आती है, ये भी आपको 80 रुपीज पेयर पड़ी। ओके, और ये भी 80 रुपीज पेयर है, ये लीची गोल्ड की वेरायटी, लीची गोल्ड की वेरायटी है। इनकी बात करें तो ये वाली 100 रुपीज पेयर है, ये मिल्की कार्प है, प्लस इसमें शुकिंग गोल्ड भी मिक्स है। ओके, तो मतलब ऑन डिमांड में मंगा देते हैं क्या आप? हाँ, डिमांड में मंगा, मतलब जो फिश जब जैसे चाहिए होती हैं वो। इनकी बात करें तो ये क्या है? ब्लैक मोर। हाँ, ये कितने रुपए गोल्ड की वैरायटी आती है, 150 का पेयर आता है, इसमें गोल्ड भी आती है सा? ये ब्लैक गोल्ड की वैरायटी की। अच्छा, नीचे साइड इनका गोल्ड गोल्ड सा दिख रहा है, वो है ऐसा, तो ये ब्लैक गोल्ड है गाइस, और ये 150 का पेयर है। तो यहाँ पर मछलियाँ अगर देखें तो काफ़ी सारी, मतलब सभी को डिटेल में बताना तो पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट ऑलमोस्ट जितनी भी वैरायटी है यहाँ पर उपलब्ध है। इस साइड भी बात करें तो यहाँ पर भी है, और किधर ये है, ये प्योर गोल्ड टाइप की है, ये अगर बात की जाए तो है फिश का फूड। ये अलग अलग तरीके के आते हैं, काफ़ी सारी वैरायटीज आती हैं इसमें, ये सबसे बेटर फूड है अभी नॉर्मली फिशेज के लिए, ऑप्टिमम। इसमें आपका पॉट वगैरह का जो दाना वगैरह रहता है, जैसे अपन डालते हैं पॉट में, इसके अंदर आपका पानी ख़राब नहीं होता है, फिशेस की हेल्थ वगैरह, कलर सब बेटर रहती है ऑप्टिमम फिशेस से। बाकी इसमें फूड तो इतनी प्रकार के आते हैं, ऑप्टिमम आ गया अपना, फिशेस ये जैसे रहते हैं फूड्स, तो फूड्स में काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं, जैसे अपना टेट्रा बाइट्स आ गया, टोयो बाइट्स आ गया, ऑप्टिमम आ गया, टोक्यो आ गया, काफ़ी सारी वेराइटीज रहती है। बाकी बैटर में क्या रहता है, जैसे टोक्यो क्या रेट का रहता है, ये 50 रुपीज़ का आता है, 100 ग्राम आता है, समथिंग दो फिशेज में ऑलमोस्ट 6 मंथ चल जाता है। 6 मंथ चल जाएगा, मतलब कितना क्वान्टिटी डालना चाहिए दो फिश में? जैसे 4 से 5, बस 4 से 5 पीसेस। ओके, पालना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको बॉल चाहिए, या कांच का कुछ भी ऐसा जार टाइप का जिसमें आप रख सको। तो यहाँ पर फिलहाल स्टार्टिंग में ये क्या रेंज का है? ये वाला आपको 50 का पड़ेगा, 50 का पड़ेगा, ये 80 का है, 80 का है, और ये वाला 350 का है। ये कितना साइज का, कितने लीटर का है? ये समथिंग 15x1 फीट x 9 इंच का है, इसमें आप 20 मछलियाँ आराम से रख सकते हो, सब कंफर्टेबल रखा जाती है। 20 मछलियाँ, वो जो अपन ने 80 रुपये या 100 रुपये वाली बात, साइज के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मली साइज की सारी फिश, ठीक है। अगर ज़्यादा मछलियाँ रखनी हो तो फिर बड़ा टैंक साइज के हिसाब से, फिर बड़ा टैंक फिर जितना, जैसे मान लीजिए ये बनाना है टैंक, एक शॉप के हिसाब से बनाना है तो ये सफिशियंट रहेगा। और कितने का पड़ेगा ये स्टार्टिंग में? जैसे ये वाला
पार्ट है अगर आप इसको पूरा कंप्लीट कराते हैं फिशेस समेत, तो ये वाला पड़ता है 3000। 3000 का मतलब कि ये 12 फिशेस, ढक्कन, पत्थर, लिक्विड नेट, मतलब ऑलमोस्ट सारे आइटम्स सभी आ जाएंगे फिशेस के, कुछ अलग से नहीं लेना, मतलब सब कुछ। ये फिश, पत्थर, डेकोरेशन का आइटम, ये डेकोरेशन के आइटम भी हैं इनके पास। तो चलो ये तो बता दिया, आप डेकोरेशन के आइटम की अगर बात करें तो कैसा क्या है, जैसे ये पत्थर वगैरह किस रेट के मिलते हैं? केजी से आते हैं ये। अच्छा, 80 रुपीस केजी, 80 रुपीस केजी, ये वाला 80 रुपीस केजी आते हैं, ठीक है। ज्यादातर मिक्स कलर में सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मिक्स कलर क्या रहता है, लुक वाइज जैसे लाइट लगती है ऊपर, बिल्कुल कलर बहुत प्यारा आता है, काफी सुंदर लग रहा है। और ये वाले, इसके अलावा ये वाली भी 50 रुपीस, 50 रुपीस। और ये क्या है? ये चूड़ी आती है, इसमें प्लांट वगैरह रहते हैं, जैसे प्लांट का किसी को देता है, ऑलमोस्ट रियल प्लांट बनाते हैं, इसके लिए ये चूड़ी आती है। तो ये ब्लैक और ये रेड कलर, दो और भी कलर आते हैं, इतने ही है। दो तीन कलर आते हैं, व्हाइट आता है। और ये वाले पत्थर, बड़े वाले, ये बड़े पत्थर है, जैसे ये आपको बाहर बाउंड्री वगैरह बनाना हो या गार्डन में डेकोरेशन करना हो या टी टेबल वगैरह बनाना हो, तो उसमें भी काफी अच्छे लगते हैं। और ये जो है ज्यादातर बड़े पॉट्स में यूज होते हैं, छोटे पॉट में इनका जो लगाओगे तो फूट जाएगा। तो कितने का पड़ेगा ये पत्थर? ये वाला 100 रुपीज केजी। तो चलिए आप चलते हैं वर्ड्स पे, कबूतर भी दिखाते हैं। चलिए कबूतर के बाद चिड़िया, मतलब वर्ड्स वगैरह जो रहते हैं वो सारी चीजें दिखाते हैं। स्टार्ट जो होता है कबूतर से होता है। सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं कबूतर को और इनके बारे में जानेंगे कौन सी ब्रीड है, क्या है, और उसके बाद जो है बात की जाएगी। तो ये है फिलहाल कबूतर, इनका मुंह ढका हुआ है। कौन से है ये? बुखारे कबूतर आते हैं, इनके ब्रीड का नाम है बुखारे। कहाँ मिलता है ये? ये ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, बाकी अभी इंडिया में इसकी ब्रीडिंग चालू हो गई। अच्छा, चालू हो गई मतलब, ओके। और ये मतलब पालतू ही है पूरी तरह? पालतू है, पालतू। तो ये उड़ भी सकते हैं? नहीं, ज्यादा नहीं उड़ पाते, ज्यादा नहीं उड़ पाते। इनका वेट काफी ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाते, नॉर्मली अपने घर में सफिशिएंट जैसे पल जाते हैं। पल जाते हैं। क्या रेट है इसका वैसे? ये 50,000 का पेयर। ये है यहाँ पर रैबिट्स काफी सारे और काफी सुंदर सुंदर से। इनका साइज वाइज के हिसाब से पैसा रहता है कैसा? क्या फुल साइज का रहता है, इनमें रेंज रहती है 300 का आएगा वन पीस, इसमें छोटे साइज के आते हैं वो 200 का आएगा। छोटे साइज में बता देता हूँ, छोटे साइज की अगर बात करें तो छोटे साइज यहाँ पर हैं और बहुत, ये चूहे की साइज के हैं और मेरे को तो यही लग रहा था, खैर। और काफी प्यारा सा दिख रहा है, वाओ। इनके क्या प्राइस है? ये ओनली 200 रुपीस का आएगा। अच्छा, इनको केयर कैसे करते हैं? मतलब घर पे तो ले जाए मालूम पड़ा, केयर करना ही नहीं आया तो? इनकी केयरिंग में रहता है कि जैसे इनको निलाना नहीं रहता, ज्यादातर निलाते हैं तो सीत से ये मर जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इनको तली मीठी चीजें नहीं देना है, इससे क्या रहता है, इनको तली मीठी चीजें से इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, ये सिर्फ हरी सब्जियां खाते हैं, गाजर मूली वगैरह खाएंगे अच्छे रहते हैं, घर में कहीं भी नहीं जाते, भागने वगैरह का कोई काम नहीं। ओके, और ये वाले इसमें बड़े? अच्छा, बड़े साइज, बड़े साइज, सेम वेराइटी है बाकी साइज बड़ा। अच्छा, साइज अलग अलग है। इनके क्या प्राइस? ये वाला 300 रुपीस पीस, 300, वही सेम जो हमने दिखाया था। और क्या दिखाने वाले हैं इसके अलावा? चूहे की अगर बात करें, दो तीन वैरायटी है, दो व्हाइट चूहे हैं ये व्हाइट चूहे हैं, ये वाले व्हाइट है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट भी है? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट भी है। ज्यादातर आपने देखा हो नॉर्मली भूरे टाइप के चूहे अपने घरों में पलते हैं, बाकी व्हाइट टाइप के चूहे आते हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके क्या रेट है? ये वाला आएगा आपको 80 रुपीस पीस आएगा, ये वाला आएगा आपको 150 रुपीस पीस आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। ठीक है, इसके अलावा ये क्या मुर्गे हैं? ये डक्स है। अच्छा, डक, बता क्या, सॉरी। तो इनके क्या रेट्स हैं वगैरह हैं, कैसे क्या रहता है इनका? मतलब ये वाला 6000 का पेयर आता है, मास्को बतख बोलते हैं, मास्को बतख, मास्को। इसका साइज यही रहता है, इससे बड़ा साइज नहीं होता है। अच्छा, यही साइज रहेगा। कितना लाइफ कितनी रहती है इनकी? इनकी लाइफ रहती है मिनिमम 12 साल रहती है, 12 साल। बाकी जो भी चीज आया, काटते वाटते भी हैं क्या इंसान? नहीं करते। ओके, ठीक है। खरगोश तो हमने देख ही लिया है, काफी ज्यादा वेरायटी खरगोश की अगर बात करें तो। चिड़िया पे आ जाते हैं, यानी बर्ड्स पे आ जाते हैं, तो किस टाइप की चिड़िया है ये? लविंग बर्ड्स है जो ज्यादातर पाली जाती है, कपल्स में रहती है, अगर सिंगल रहती है तो सिंगल मर जाती है। सिंगल मर जाती है? सिंगल मर जाती है। बड़ा ब्रीड का नाम ही लव बर्ड्स है। लव बर्ड्स है, ओके। और ये सिंगल, जैसे कपल वाली कौन सी हो गई? ये येलो वाली और? हाँ, जैसे ये येलो है, ये इसकी फीमेल है, वो येलो इसका मेल है। अच्छा, मतलब इनका ये भी है कि कलर भी सेम ही रहेगा? नहीं, कलर अलग अलग भी ले सकते हैं, बस मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए। अच्छा, मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, ओके। और इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ कबूतर पे आ जाते हैं फाइनली, क्या है? हैमस्टर, इम्पोर्टेड चूहे आते हैं। अच्छा, चूहे ये? हाँ, ये इम्पोर्टेड चूहे। तो इनका क्या सीन रहता है, मतलब इम्पोर्टेड करने जाते हैं? ये हैमस्टर बोलते हैं इन्हें, हैमस्टर इनका केज आता है अलग ही। हाँ। ये बिल्कुल अलग ही ब्रीड आती है, इनकी पूंछ वगैरह नहीं रहती है। अच्छा, पूंछ भी नहीं रहती? हाँ, और इनमें कलर्स काफी अच्छे अच्छे आते हैं, इनके बाल बड़े रहते हैं। हाँ, तो ये इसमें कलर वाला तो दिख नहीं रहा है, कोई है कलर वाला? ओके, ब्राउन एंड व्हाइट। अच्छा, ब्राउन एंड व्हाइट जो है ये वाला, कुछ इस तरह का लुक है इसका। और इनके क्या रेट्स हैं?
ये वाला 2000 रुपए पेयर आता है, हैमस्टर नाम रहता है इसका, ये साइज 2000 रुपए पेयर आता है। ओके, मतलब बहुत महंगे हैं, ये काफी महंगे आते हैं। ओके तो ठीक है, रख दीजिए। ये तो इनके पिंजरे की बात कर लेते हैं, कैसा क्या सीन रहता है पिंजरों का? इनमें केजिंग में ये सारे केज रहते हैं। ओके, ये सबसे छोटा साइज है, ये वर्ड्स के लिए, दो वर्ड्स आसानी से आ सकते हैं, आराम से रह जाती है इसके अंदर। और कितना प्राइस बताया इसका? ये वाला 150 का आता है आपके हाथ में जो छोटा, और इसकी बात करें तो ये वाला 250 का आता है। इसमें आपका पूरा डेकोरेशन आता है, जैसे कलर्ड वगैरह रहता है, कलर वगैरह सब देखने को मिलेगा इसमें, निकल जाती है सफाई। अच्छा, ये प्लेट निकल जाएगी डायरेक्टली, है ना? झूला रहता है, अंडा बैठने का। ओके ओके, जितने साइज बढ़ाते जाओ उतना साइज आप इसमें बढ़ाते जाओ। सो फाइनली अब देखेंगे हम डॉग्स, भाई साहब वो टॉमी और कुत्ता वाला सीन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास टॉमी है, कुत्ता नहीं है बिल्कुल भी, और ये जो है बहुत प्यारे लग रहे हैं एक्चुअली। इनका सिनेमेटिक रील भी देखेंगे आप, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इनकी प्राइस की अगर बात करें हम, तो ये वाला 10,000 का चलता है, मेल फीमेल चलती है 8,000। अच्छा, की ये पोमेरियन ब्रीड है, पोमेरियन साइज में छोटा रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, जो ज़्यादातर टॉमी ही नाम है इसका, टॉमी ही नाम, टॉमी ही नाम। और बहुत प्यारे दिख रहे हैं यार एक्चुअली, और इनका जो है मतलब साइज तो बहुत छोटा लग रहा है, कपड़े बहुत बड़े दिख रहे हैं मेरे को, बाल बड़े रहते हैं इनके, साइज छोटा। कितने महीने के होंगे ये? ये अभी है ये 45 डेज का है, 45 दिन का, और ये 55 डेज का, 55 डेज का। बस शांत कुत्ते हैं, भोगते होते हैं अभी, भोगते हैं अभी, नहीं भोगते बाकी अभी तो छोटे हैं, छोटे हैं, भोगते हैं। ओके, 10,000 रुपीज का बता, मेल आता है, 8,000 की फीमेल आती है। जो है हमारे पास काफी क्यूट से हैं, और क्या नाम है इनका? लैब्रा की ब्रीड है, लैब्रा की ब्रीड है। ये इंडियन तो नहीं, मतलब कौन से कंट्री में ज्यादा, मतलब नहीं, ये एक्चुअली इंडियन ही हो गए हैं अभी। अच्छा, इंडियन ही हो गए, इंडियन ही है। ओके, तो इंडिया में ही ब्रीड हो रही है लैब्रा, सबसे कॉमन हो रही है, शेपर्ड ज्यादा। अच्छा, जर्मन शेपर्ड कॉमन, लैब्रा और जर्मन शेपर्ड दोनों कॉमन। ठीक है, तो प्राइस की बात करें इनकी, तो ये वाला आता है 18,000 का मेल आता है, और 15,000 की फीमेल। हमारे पास कौन से हैं? जर्मन शेपर्ड, डॉल मिशन, यही नाम है, मूवी आई थी ना। ओके ओके, मूवी जो आई थी उसके नाम, तो उसी मूवी के नाम से रखा है, क्या सीन है इनका? ये मूवी से नहीं है, तो स्टार्टिंग से ही। अच्छा, इनके स्पॉट्स रहते हैं, अच्छा फुल व्हाइट रहेगा इसके पूरे शरीर पे, स्पॉट्स रहेंगे ब्लैक ब्लैक डॉट्स। और इसकी क्या खासियत है? जर्मन शेपर्ड ज्यादातर पुलिस और आर्मी में पाला जाता है, आर्मी में और पुलिस में पाला जाता है, ढूंढना है पूरा। ओके, तो काफी प्यारा लग रहा है, इतना शांत क्यों है मतलब? अच्छा ऐसा, तो वाकई में चलो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये वाला। हेलो, ये देखिए जीभ निकाल के दिखा दिए भाई साहब, टाइगर ये पूरा। प्राइस की बात कर लेते हैं, चलिए ये वाला भी 18,000 का है डालमिशन, और ये वाला 15,000 का जर्मन शेपर्ड। ये जर्मन रहता है, अलग अलग में भी अलग अलग क्वालिटी रहती है, कलर के हिसाब से रहते हैं कलर, ये सेम आएगा इसमें, सिंगल कोट, डबल कोट, हेवी बोन, अलग अलग ब्रीड्स आते हैं। सो अगला जो है वो कौन सा है? ग्रेट डेन, ग्रेट डेग। हाँ, ग्रेट डेन, इसकी काफी हाइट होती है, हाइट काफी हैवी रहता है, बकरी से भी ज्यादा हाइट रहती है, बहुत ज्यादा, गाय बराबर की हाइट रहती है, गाय बराबर की। अभी क्या क्या उम्र होगी इसकी? समथिंग ये होगा आपका 2 महीने के अंदर ही है, 2 महीने, 2 महीने में काफी बड़ा लग रहा है, भारी भी है, तो मतलब बड़ा हो जाएगा तो उठाने लायक ही नहीं रहेगा ये, और मतलब अलग ही लेवल की बॉडी शेप है इसकी अगर बात की जाए तो। ये कहाँ का, मतलब अपने इंडियन का नहीं है, दूसरे कंट्री का ही है? इंडिया का ही है। ओके, तो ज्यादातर लंदन में पाई जाती है, लंदन में अलग अलग जो रहते हैं डॉगीज होते हैं, और वो ब्रीड अच्छी भी लगती है, तो इसको पालने का मतलब जो सीन तो अच्छा ही है। और चेहरे से अगर बात, काटता वाटता भी तो नहीं, तो ये चेहरे से भी कुछ इस तरह का डरावना टाइप का दिखेगा, और इसकी आंखें वगैरह ऐसी रहती ना सब, और कलर इसमें अलग अलग आता है, यही रहता है, अलग अलग आते हैं। तो खैर ये डॉगी है, चलिए फाइनली अब प्राइस की बात कर लेते हैं अपन। ये 35,000 का पड़ता है मेरे, 35,000। हाँ, 35,000, क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो भैया ये ऐसा है सीन कि अगर 35-35 करके 3 बार लगाएंगे तो 1,00,000 की किस्त भी हो सकती है हमारे मकान की पे, डिमांड पे सारी ब्रीड्स अवेलेबल मिल जाएगी, आप बोलेंगे और भाई साहब जो है अवेलेबल करवा देंगे कम से कम प्राइस में, ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर फिलहाल जो हमने सारी चीज़ें दिखाई वो, उसके लिए समीर भाई साहब का नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल लिखी हुई है, शिवाजी मार्केट जो कि राजवाड़ा के पास ही है, MIG थाने के सामने, तो यहाँ पर आ भी सकते हैं आप डायरेक्टली, और कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज राजीव द्विवेदी साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने काम में व्यस्त रहो।